तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि IQ Z 7 Pro को आप फैक्ट्री रीसेट कैसे कर सकते हैं। अगर आपको भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है या फिर ज्यादा ओवरलोड हो रहा है आपका फोन, यानी कि ज्यादा यहाँ पे फुल स्टोरेज हो गया, आप सोच रहे हो कि मेरा फोन है वो रीसेट करूँ या फिर मेरा फोन को जितना डाटा है सारा मैं इरेज कर दूँ, तो इसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि IQ Z 7 Pro को आप इरेज ऑल डाटा कैसे कर सकते हैं या फिर फैक्ट्री रीसेट फोन को आप कैसे कर सकते हो, तो इसी के बारे में फुल डिटेल के साथ मैं बताऊंगा। चलिए, मैं हूं जितना और आप देख रहे हैं इंटरेस्टिंग चैनल लेके सपोर्ट द चैनल पर, नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको बगल में बेल आइकन घंटे दिख रहे हैं उसे ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं जिसका नोटिफिकेशन आपके एंड्रॉइड फोन में पहुंच जाए और सारी अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। फिलहाल चलिए मैं ले जाता हूँ फोन डिस्प्ले पर और वहां पर बताता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप आपको नेटवर्क रीसेट करना है तो वो भी कैसे कर सकते हैं, साथ में एप्लीकेशन रीसेट करना चाहते हैं वो आप कैसे कर सकते हैं, और साथ में इरेज ऑल डाटा करना चाहते हैं, यानी कि ऑल डाटा का मतलब फोटो वीडियोस या फिर कोई भी ऑल डाटा हो गया, एप्लीकेशन हो गया या फिर कोई और ब्राउजर हो गया, जितना भी आपको यहाँ पे फैक्ट्री है सारा का सारा आपका फोन बिल्कुल नया जैसा दिखने लगा अगर आप फैक्ट्री रीसेट करते हैं। तो जल्दी मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, आपको बताता हूँ कि फैक्ट्री रीसेट करना कैसे है। करना तो सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले सेटिंग्स वाले एप्लीकेशन को ओपन करनी। चलिए मैं सेटिंग्स वाले एप्लीकेशन में ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद बहुत सारे आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, आपको नीचे स्क्रॉल करके आने होगी। नीचे स्क्रॉल करके आने के बाद यहाँ पे रिवॉर्ड फोन दिख रहा होगा, रिवॉर्ड फोन के ऊपर आपको सिस्टम दिख रहा होगा ऑप्शन, यहाँ पे देख पा रहे हो तो सिस्टम का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, तो सिस्टम पे आपको क्लिक करना है। सिस्टम पे जब क्लिक कीजिएगा, पे क्लिक कीजिएगा तो आपको नीचे स्क्रॉल करके आने होगा। नीचे स्क्रॉल करके आने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, रीसेट ऑप्शन का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, तो रीसेट ऑप्शन पे क्लिक कर देने होगी। तो फर्स्ट जो कि ऑप्शन दिखा है रीसेट वाईफाई मोबाइल डाटा, उसके बाद रीसेट ऐप प्रिवेंस, रीसेट ऑल सेटिंग, रेज ऑल डाटा और फैक्ट्री रीसेट, तो सारा मैं स्टेप बाय स्टेप आपको करके बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप किसी प्रॉब्लम हो रही है जैसे नेटवर्क रीसेट में या फिर वाईफाई में या फिर मोबाइल डाटा में या फिर ब्लूटूथ में जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो इस पर क्लिक कीजिएगा फर्स्ट वाले पे। फर्स्ट वाले पे क्लिक करने के बाद वाईफाई मोबाइल डाटा और ब्लूटूथ रीसेट करना चाहते हो, यहाँ पे रीसेट सेटिंग पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे आपका पैटर्न मांगा और पैटर्न डालने के बाद आप यहाँ पे रीसेट सेटिंग्स कर सकते हैं और आपका जो फोन देखे नेटवर्क सेटिंग हैज बीन रीसेट यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। उसके बाद बैक आ जानी है कि बैक आने के बाद रीसेट ऐप प्रिवेंस, यानी कि जो भी आप अपना ऐप को रीसेट करना चाहते हो यहाँ पे रीसेट ऐप आप देख पा रहे हो तो रीसेट कीजिएगा, तो रीसेट आपका सारा एप्लीकेशन है वो सारा रीसेट हो जाएगा। और थर्ड ऑप्शन है रीसेट ऑल सेटिंग, रीसेट ऑल सेटिंग्स पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए आपको देख पा रहे हो यहाँ पे बैटरी परसेंटेज आपको शो हो रहा होगा, तो इस तरह का बैटरी परसेंटेज भी आपको सेटिंग्स से हट जाएगा। और यहाँ पे सेटिंग रीसेट करते तो यहाँ पे देखिए फंक्शन स्विच ऑप्शन पर्सनलाइजेशन सेटिंग कंटेंट फिल इन ड्यूरिंग सेटअप जो भी आप सेटअप कि सारा आपका सेटिंग्स में सारा रीसेट होकर आ जाएगी यहाँ से रीसेट सेटिंग किस जगह। तो उसके बाद बैक आना है, बैक आने के बाद इरेज ऑल डाटा आपको दिख रहा है तो इरेज ऑल डाटा पे क्लिक कीजिएगा, तो इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे जब क्लिक कीजिएगा तो बहुत सारे आपको ऑप्शन मिले, दिस इज विल इरेज ऑल डाटा इंटरनल, आपके फोन में जितना भी आपको वीडियोज है फोटो है या फिर ऑल डाटा या फिर एप्लीकेशन का जितना भी स्टोरेज है सारा आपको रीसेट है। देख सकते गूगल अकाउंट होगा, सिस्टम एंड ऐप डाटा रीसेट, डाउनलोडेड ऐप्स, म्यूजिक, फोटो, अदर यूजर डाटा जितना है सारा आपका रीसेट हो जाएगा। उसके बाद आती है यहाँ पे व्हाट्सएप, जो जितना भी ईमेल है वो रीसेट हो जाएगा, मीट जो भी आप ट्विटर व्हाट्सएप बिजनेस फेसबुक जितना भी सारा आपको यहाँ पे डाटा है वो सारा रीसेट होकर आ जाएगा। तो यहाँ से इरेज ऑल डाटा सारा यहाँ पे इरेज आपको दिख रहा होगा, तो इरेज ऑल डाटा पे क्लिक कीजिए तो यहाँ पे पैटर्न डालेगा और आपका सारा वो रीसेट हो जाएगा। तो फिलहाल मेरे में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जिससे कि मैं रीसेट करूँ सारा मेरा डाटा वो उड़ जाएगा, तो मैं आपको बता दिया कि फैक्ट्री रीसेट आप कैसे कर सकते हैं। तो आपको वीडियोस कैसी लगी मुझे कमेंट जरूर बताएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर अपने यूट्यूब चैनल 1KG सपोर्ट में।